नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनुज पाल सिंह। हम लोग के पक्ष में आए हैं, बहुत खुशी है। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। आप बताइए लक्ष्मी जी। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा कि ये केस सुनने लायक है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मान ली हैं और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि यह मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे, हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाज़त दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए.सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था, शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। शहर में हिंदू मुस्लिमों की मिली जुली आबादी वाले इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी गई है ताकि आदेश के बाद कानून व्यवस्था के हालात ना बिगड़ें। फैसले के मद्देनज़र पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी। जिला अदालत परिसर में खास चौकसी बरतते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया था। आपको बता दें, 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खास तौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाज़त मांगी थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।